जब भी हम मिंट या पुदीना बाजार से लाते हैं तो वो एक से दो दिन में ख़राब हो जाता है। आज मैं आपको बताऊंगी दो ऐसी ट्रिक्स जिससे आप पुदीने को काफ़ी लंबे टाइम तक स्टोर करके रख सकते हैं और जब भी आपको यूज़ करना है तो आप बिना धोए सुखाए इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फूड्स एंड फ्लेवर्स, मैं हूँ शिल्पी। तो आइए देखते हैं ज़्यादा दिन तक पुदीना स्टोर करने की ये आसान सी ट्रिक्स। जब भी आप पुदीने को स्टोर करने के लिए लाएं तो आप देख कर लाएं कि थोड़ा अच्छा फ्रेश बंच हो पुदीने का। जितना फ्रेश होगा पुदीना उतने ही लंबे टाइम तक आप उसको स्टोर कर पाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि मैंने इसको पानी में डाल के रख दिया है। ऐसा मैंने इसलिए किया है क्योंकि ये पुदीना ऑलमोस्ट मैं 4 से 5 घंटे पहले लाई थी। अगर मैं इसको इसी तरह से छोड़ देती तो ये पुदीना जो है कुमला जाता। तो अगर आप इसको इस तरह से पानी में डाल के थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे तो ये फ्रेश रहेगा। और अब मैं दिखाती हूँ कि इसको साफ़ कैसे करना है। इसके लिए हम इस बंच को खोल देंगे और अब बस हमें इनकी पत्तियों को निकालना है। तो आपको बहुत ध्यान रखना होगा कि आप सिर्फ अच्छी पत्तियों को रखें और जो भी पत्ती थोड़ी सी भी काली पड़ रही हो या फिर वो कुमला गई है या फिर ख़राब हो रही है आप उनको हटा दें। ये देखिए मैंने सारी पत्तियां साफ़ कर ली हैं और आप ये देख सकते हैं जो भी पत्तियां थोड़ी सी भी ख़राब थी मैंने उनको अलग कर दिया है क्योंकि अगर ये पत्तियां इसमें मिल जाएंगी तो जो हमारा फ्रेश वाला पुदीना है उनको भी ख़राब कर देंगी। और ये देखिए जो डंडियां थी मैं आपको दिखाती हूँ जिसमें ये जड़ निकल रही थी, आप देख सकते हैं कि ये यहां से भी निकल रही हैं। इसको आप ले जाके मिट्टी में लगा दें या पानी के ग्लास में डाल दें, इनसे काफ़ी जल्दी पत्तियाँ आ जाती हैं। और अब हम क्या करेंगे, इस पुदीने को साफ़ कर लेंगे। अब मैंने यहाँ पे पानी से भरा हुआ एक बोल लिया है और हम सारा पुदीना इसमें डाल देंगे और इसको बहुत धीमे हाथों से दबा देंगे नीचे पानी में। इसको हम 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे जिससे कि जो मिट्टी पत्तों पे लगी है वो लूज़ हो जाएगी और पत्तियों को साफ़ करने में आसानी रहेगी। अब 5 मिनट हो चुके हैं, हल्के हाथों से आप इनको इस तरह मिलाएँ और एक बर्तन में छन्नी लगा लें और उन पत्तियों को अलग निकाल लें। तो यहाँ आप ध्यान रखिएगा कि पत्तियों को बहुत जेंटल हाथों से धोना है, नहीं तो ये ब्रूस हो जाएंगी और फिर जब आप इनको स्टोर करेंगे तो ये ख़राब हो जाएंगी। ये देखिए सारी पत्तियाँ मैंने निकाल ली हैं और अब हम इन पत्तियों को 2 से 3 बार और सादे पानी से धो लेंगे जिससे कि ये एकदम क्लीन हो जाएंगी। ये देखिए मैंने पत्तियों को छन्नी में निकाल दिया था और सिर्फ 5 मिनट के लिए छोड़ दिया था जिससे कि इनका एक्स्ट्रा पानी निकल जाए। और अब मैंने क्या किया, यहाँ पर एक कॉटन का कपड़ा लगाया है और इसमें हम सिंगल लेयर में इन पत्तियों को डाल देंगे इस तरह से और इनको बिल्कुल धीमे हाथों से इस तरह से फैला दें जिससे थोड़ी सी अलग अलग हो जाए। और अब हम इनको फ़ैन के नीचे करीब 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे जिससे ये थोड़ी सी ड्राई हो जाए। तो ध्यान रखिएगा हमें इनको पूरी तरह नहीं सुखाना है, बस इनको हल्का सा ड्राई करना है, फिर मैं दिखाऊंगी आगे का प्रोसेस। पुदीने को मैंने हल्का सा सुखा दिया था और ये 100% ड्राई नहीं हुआ है। अब हम क्या करेंगे, इसको स्टोर करके बॉक्स में डालेंगे। इसके लिए यहाँ मैंने एक प्लास्टिक का बॉक्स लिया है और इसमें मैं डाल दे रही हूँ एक टिश्यू पेपर। तो इसके बेस पे लगा दें आप अच्छे से टिश्यू पेपर और अब हम पुदीने की पत्तियाँ जो है इसमें भर लेंगे। तो ध्यान रखना है इसको बहुत ऊपर ऊपर तक ना भरें, थोड़ा सा लूज़ पैक रखें इसको जिससे कि पत्तियों में हवा लगती रहे। तो ये देखिए मैंने इसको ऊपर तक भर लिया है पर बहुत लूजली पैक है। तो हमें यहाँ ध्यान रखना है, हमने पत्तियों में से सिर्फ एक्सेस वाटर हटाया है, इसको एकदम सुखा नहीं दिया है। तो अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर एक और टिश्यू पेपर लगा देंगे इस तरह से और इस डब्बे को कवर कर लेंगे। और आप इस डिब्बे को आराम से फ्रिज में रखें और जब भी आपको फ्रेश पुदीना खाने का मन हो इसमें से निकालें और अपनी रेसिपीज़ में यूज़ करें। ये ऑलमोस्ट 20 दिन तक ख़राब नहीं होता है। और अगर आप इन पत्तियों को पूरे साल रखना चाहते हैं और तरह तरह की रेसिपीज़ में यूज़ करना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा, एक कपड़ा लें कॉटन का और इन पत्तियों को सिंगल लेयर में इस तरह से डाल दें और इनको 1 से 2 दिन तक इसी पे सूखने दें। मतलब इनको धूप में नहीं डालना है हमें, इनको छांव में ही सुखाना है। आप चाहे तो पंखे के नीचे रख लें या फिर आप छांव में इसी तरह से सूखने दें। आप 4 से 5 घंटे बाद इन पत्तियों को थोड़ा सा इस तरह से ऊपर नीचे कर दें जिससे कि ये एक साथ सूख सकें। तो अब मैं आपको दिखाऊँगी जब हमारी पत्तियाँ एकदम ड्राई हो जाएंगी। पुदीनों को मैंने बहुत अच्छे से ड्राई कर लिया है और ये देखिए पूरी तरह सूख चुका है। और अगर आप हाथ से आप इसको इस तरह से करेंगे तो एकदम अच्छे से ये क्रम्बल हो रहा है। तो इसको अब आप क्या करें, मिक्सी में हल्का सा चर्न करके इसका पाउडर बना के रख लें फ्रिज में और जब भी मन करे आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और ये देखिए जो फ्रेश पुदीना मैंने स्टोर किया था इसको ऑलमोस्ट 2 हफ्ते हो गए मुझे स्टोर किए हुए और आप देखें कितना फ्रेश है अभी भी। तो मैंने आपको दोनों तरह से पुदीने को स्टोर करने का तरीका बता दिया है। आप चाहें तो इसको इस तरह से फ्रेश रखें, ये ऑलमोस्ट 20 दिन तक ख़राब नहीं होता है। और अगर आप उससे भी ज़्यादा यूज़ करना चाहें तो आप इसको ड्राई करके और पाउडर बना के फ्रिज में रख सकते हैं और जब भी आपका मन करे बिना धोए या फिर बिना साफ़ किए आप इस पुदीने की पत्तियों को अपनी रेसिपीज़ में यूज़ कर सकते हैं।
तो अगली बार आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।